नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में, जिसको हम ऐप्ते और हिंदी में मुंह में छाले होना भी बोलते हैं। सोमेटाइटिस भी बोला जाता है कई बार इसको। इससे पहले हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टॉपिक पहुँचे। ये मेरा चैनल है हेल्थ विद होम्योपैथी, जहाँ पे मैं हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ उस बीमारी डिजीज़ के बारे में, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है उसको ठीक करने के लिए। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर क्या है, अगर हम डेफिनेशन देखें, इज बेसिकली ब्रीच इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ योर माउथ। अगर आपके मुंह के अंदर कहीं भी कट पड़ जाता है, छाले पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, या जीभ में अगर वैसा हो जाता है, तो हम उसको छाले बोलते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट करवाता है, ये कई बार फीवर के साथ आते हैं, आपको खाने में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी, कुछ भी चीज़ पीने में, गुटकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कई बार आपको ब्रश करने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसको हम ऐप्ते बोलते हैं। इसके साइज़ जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कॉज टू कॉज की, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सफ़ेद और लाल दो कलर्स में यूजुअली ये देखे जाते हैं। अगर हम कॉज के बारे में बात करें, तो इसका कॉज अभी तक एग्जैक्टली नोन नहीं है, बट जो कॉमन हम बोलते हैं कॉजेज हो सकते हैं वो हम उस पर बात करते हैं। अगर आपने क्विट किया है स्मोकिंग, उसके बाद भी कई पेशेंट्स में अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इफ दे हैव क्विट, उनमें बहुत बार देखा गया है आपको मुंह में छाले आने चालू हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट लेते हैं या सिट्रस डाइट लेते हैं, तब भी ऐप्थे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा फूड का सेवन करते हैं विच आर एसिडिक इन नेचर और बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कंटिन्यूस ले रहे हैं, तब भी कई बार मुँह में छाले देखे गए हैं। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, बहुत मिर्च खाना पसंद करते हैं, तब भी कई बार आपके मुँह में छाले हो सकते हैं। कई बार एक्सीडेंटली सोते वक्त आपको मुंह में इंजरी लग गई, जीप जिन्होंने ब्रेसेस पहने हुए हैं, दांत में अगर फिटिंग डेंचर बहुत ख़राब है, पुअर फिटिंग ऑफ डेंचर्स हैं, उसके कारण भी कई बार आपको गम्स में, माउथ में इन्फेक्शन हो सकता है और आपको कई बार छाले भी हो सकते हैं इंजरी के कारण। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, इन सम केसेस दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ माउथ अल्सर। प्रेगनेंसी में अगर आपके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, जैसे प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, या किसी टाइप के आप हार्मोन थेरेपी पे चल रहे हैं, या मीनोपॉज है, तो उस कंडीशन में भी बहुत कॉमन देखा गया है कि माउथ अल्सर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम किसी टाइप के मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स हैं, किसी टाइप की थेरेपी पे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो वो भी कॉज करते हैं आपको माउथ अल्सर में। कई बार जेनेटिक फैक्टर भी हो जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माउथ अल्सर्स पे। अगर आपका इसमें से कोई कॉज नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट बहुत रीअकरेंट आपको अल्सर्स हो रहे हैं, तो कई बार एक बहुत मेजर कॉज होता है आपका, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशंस, दैट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसमें आपको विटामिन बी की कमी से बहुत बार होता है। अगर आपकी वीक इम्यूनिटी है, तो भी आपके अल्सर्स बहुत रीअकरेंट होने लगेंगे। ये कौन सी डिजीज है, मल्टीविटामिंस की कमी आ रहे हैं बॉडी में, आयरन की कमी है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इश्यूज है, हीमोग्लोबिन कम है, तब भी अल्सर्स बहुत रीअकरेंट होते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं, इनफैक्ट मैं चाहती भी हूँ कि लोग इसके बारे में अवेयर रहें, कि माउथ अल्सर्स जो हैं आर दे कैंसरस और नॉट। बहुत केसेस में इट इज़ नॉट कैंसरस, बट इन फ्यू केसेस माउथ अल्सर्स कैन बी कैंसरस। उसके लिए हमको जांच करवाने पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, यूजुअली माउथ अल्सर अगर साल में एक बार ही आपको हुआ है, या आपको मालूम है आपको चोट लगी ब्रश करते हुए, या किसी टाइप की इंजरी हुई है, तो वो एक हफ्ते से दो हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। पेनफुल है, आपको तकलीफ हो रही है खाने में, फीवर है, तो आपको मेडिकेशन लेना चाहिए। अगर पेन नहीं है, ईज पे है, तो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट है, मेडिसिन लेने के बाद जा नहीं रहे हैं,
कई बार इसमें पेन नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल अल्सर, माउथ अल्सर्स एंड कैंसरस अल्सर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जानना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने अल्सर समझा है और बाद में वो कैंसरस निकल गए हैं फॉर वॉट एवर रीजन। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम बात करते हैं कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं माउथ अल्सर्स के। ये तो कॉजेस हो गए हमारे सारे के सारे, सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं आपको क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। प्रिवेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी कॉजेस मैंने आपको बताए हैं, हम पहले कोशिश करेंगे अंडरलाइनिंग कॉजेस हटाने के। आपने अगर अंडरलाइनिंग कॉजेस हटा दिए हैं तो आपको फ्रीक्वेंट रिकरेंट अल्सर्स नहीं होंगे मुंह में। साथ में जब भी आपको अल्सर्स होते हैं तो आप होम्योपैथी मेडिसिंस लेंगे। डॉक्टर की फेवरेट मेडिसिंस है अल्सर के लिए, जिसको हम मगसॉल बोलते हैं। 30 में आप 30 पोटेंसी 30 CH में ले सकते हैं। हर एज में सेम डोजेस रहेगा, 2 ड्रॉप्स इन 1 स्पून ऑफ वाटर, दिन में 3 बार लेना है आपको मगसॉल 30। जब तक आपके सिम्टम्स नहीं चले आते हैं, आपके अल्सर्स नहीं चला जाते हैं, हो सकता है आपको 10 दिन से 2 हफ्ते या 10 दिन से 20 दिन लेना पड़े, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इस मेडिसिन के साथ आपको मूवमेंट टैबलेट्स लेना होगा, जो कि AVS कंपनी की है, MUMENT मूवमेंट टैबलेट्स हैं। अगर आप 12 साल से छोटे हैं तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम में ऐसे ही ले लेना है, माउथ में डिजॉल्विंग है ये। और अगर आप 12 साल से बड़े हैं, अडल्ट हैं, तो आपको 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाने से या तो आधे घंटे पहले लेना है या खाने से आधे घंटे बाद में लेना है, और तब तक लेते रहना है जब तक आपके माउथ के अल्सर्स खत्म नहीं हो जाते हैं। ये भी आपको मगसॉल के साथ ही लेना है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ SBL का रिंस आउट ड्रॉप है, आपको इसे होल्ड करना है। बेसिकली बड़े हों या बच्चे हों, कोई भी एज में आप इसको यूज कर सकते हैं, कम्प्लीटली सेफ है। करना क्या है, आपको 1/2 कप ऑफ वाटर लेना है, 12 साल से नीचे हैं तो उसमें 20 ड्रॉप्स डालना है, उनको 30-40 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर थूक देना, रिंस आउट कर देना है। 12 साल से अगर आप ऊपर हैं तो यू कैन हैव 30 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन 1/2 कप ऑफ वाटर, मुंह में 30-40 मिनट होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर आप इसको रिंस आउट कर दें, और तब तक करते रहिए जब तक आपके छाले कंप्लीटली अल्सर्स खत्म नहीं हो जाते हैं। इसके साथ आप सूदिंग करने के लिए आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड चीज़ें मुंह में रख सकते हैं, जो कि आपके पेन सेंसेशन को कम करने में हेल्प करेगा। अगर फीवर है आपको तो आप फीवर मेडिकेशन, मैंने अपने वीडियोस में फीवर के लिए भी बताए हुए हैं मेडिसिंस, वो भी ले सकते हैं। अगर बार बार इम्यूनिटी लो हो रही है तो इम्यूनिटी आपको कैसे बूस्ट करनी है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं, साथ में वो मेडिसिंस भी ऐड कर सकते हैं। इस दौरान आपको अगर फूड की बात करें तो बहुत लाइट फूड लेना होगा, हॉट फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कोल्ड फूड नहीं लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ऐसा फूड लेना है जो आप आराम से च्यू कर सके और आपको परेशानी भी ना हो। साथ में आइसक्रीम में सूदिंग करने के लिए आइस पैक्स लग सकते हैं, आइस लॉलीपॉप्स बच्चों को दे सकते हैं अगर फीवर नहीं है तो। आज के लिए इतना ही रहेगा, हम अगले वीक फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे आपको हेल्प करूँ या हम डिस्कस कर सके इस फोरम में, तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे मेल कीजिए जैसे कि आप मुझे करते आ रहे हैं, या कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि उस टॉपिक पे हम लोग वीडियोज़ बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।